इज आवर स्पेशल टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो नेगेटिव टेंस हम किस तरह आसानी से बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सबसे पहले पिछले टॉपिक में जिस तरह के आपको पता होगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पॉजिटिव टेंसेस डिस्कस किए थे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंसेस हम किस तरह बना सकते हैं। तो उसमें मैंने फार्मूला लिखा था और साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और दो मिसालें भी दी थी। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव टेंस। नेगेटिव मीन्स मनफी, मनफी मीन जो जिसका जवाब नफी में होता है। नफी मीन नो, नो में होता है। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव टेंस। तो चलते हैं। जिस तरह की कल मैंने एक फार्मूला लिखा था आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के था, उसी फार्मूले के हिसाब से हम आज भी अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कल लिखा था सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव टेंस में भी वही सब्जेक्ट होगा। दूसरी चीज क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें क्या लगेगा, डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट एंड डज नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस में सब्जेक्ट के बाद हम दो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये क्या है असल में, हेल्पिंग वर्ब। व्हाट, दीज आर हेल्पिंग वर्ब। और मैं आपको ये बात, अहम बात ये बताऊं कि जो टेंस होते हैं ना, बेसिकली हम किस से पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहचान सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट एंड डज नॉट, इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड और लास्ट में प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब गौर से देखिए बोर्ड की जानिब। फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि हमारे पास पहले सब्जेक्ट होगा और मैंने आपको मैं ये बताता चलूं कि सब्जेक्ट दो चीजों में होगा, या तो ये नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। तो परस करे एक मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल दू। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अली, अली हाँ, तो आप देखें अली किसी शख्स का नाम है, एक नाउन है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा। प्लस यानी कि इस टेंस के पास हम दूसरी चीज क्या लगाते हैं, डू नॉट या डज नॉट। तो डू नॉट हम किस टेंस के पास इस्तेमाल करेंगे और डज नॉट हम किस टेंस के पास इस्तेमाल करेंगे, ताकि मैं आपको ये क्लियर करूं। अली प्लस ही, शी और साथ में इट, ये चार अल्फाज के साथ हम क्या करेंगे, डज नॉट इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट। क्यों मैंने ही शी, अच्छा सर यहां तक तो बात ठीक है ही शी इट, पर ये अली मैंने क्यों लिखा, ये सबके क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि अली मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अली एक सिंगुलर नाउन है और ही शी इट और इसके साथ साथ सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डज नॉट या डजंट। फर्स्ट करें फार्मूले के हिसाब से आप देखिए, सब्जेक्ट अली ही शी इट हो गया, सब्जेक्ट या नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। इसके बाद डू नॉट या डज नॉट लगेगा, तो हमारे साथ ही शी इट और सिंगुलर नाउन, जो सिंगुलर नाउन होता है उसके उसके साथ डज नॉट लगता है। तो हमने डज नॉट फार्मूले के हिसाब से लगाया। जो थर्ड चीज होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, फर्स्ट करें अली क्या करता है, गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड है और साथ में ऑब्जेक्ट है, गो होम, Ali go home. Ali doesn't go home. He doesn't go home. She doesn't go home. And the last one is it के साथ भी हम doesn't लगा सकते हैं easily जब हम negative tense लगाते हैं। अब रह गया do not. Do not रह गया, तो do not हम लगाएंगे we, you, दे, इनके साथ हम लगाएंगे डू नॉट।
आर। क्या पर क्या होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? परस करें राइट। तो इस टेंस को, इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं, वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में फिर क्या है प्रोनाउन है। तो दूसरा क्या है डू नॉट, इनके पास इनके साथ हम वी यू और दे के साथ हम क्या लगाएंगे, और साथ में प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे डू नॉट, ही हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगाएंगे, और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल टेंस। इसको दोबारा एक दफा रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि आप इसको बेहतर अंदाज से समझ सके। फर्स्ट नंबर पर आप है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस इसका मतलब है कि हम प्रेजेंट मुतलक यानी पहले हाल मुतलक में हम नेगेटिव मंथली टेंस किस तरह बना सकते हैं। फॉर्मूला मैंने जिस तरह कल आपको कहा था कि फार्मूला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर आप फार्मूला एक दफ़ा सीख गए तो देर विल बी नो डिफिकल्टी फॉर यू टू लर्न ऑल दैट थिंग वेरी इजिली। सो द फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट लर्न फार्मूला। फार्मूला में क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे अहम चीज़ होता है। किसी भी सेंटेंस में ज़रूर सब्जेक्ट होगा, किसी भी सेंटेंस में ज़रूर सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है डू नॉट एंड डज नॉट। सो अब सवाल ये बनता है कि डज नॉट और डू नॉट हम कहाँ लगाए। तो हम डू नॉट हमेशा वी यू दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ लगाएंगे, लेकिन डज नॉट हम ही शी इट और साथ में सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं। और इसके बाद जो तीसरा अहम चीज है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इस टेंस पे लगाएंगे और फिर है ऑब्जेक्ट। So I hope you understand the whole tense and in a very good way. And I also expect from you that you like this video. We'll meet soon in another video. And I also bring this kind of informative video that enhance and also increase your knowledge and pronunciation, also speaking skill. So best luck. Have a nice day. And I also hope from you that you understand it in a very good way. Thank you.